मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाद अब सबकी नजर तेलंगाना पर है। वहां 30 नवंबर को वोटिंग है। प्रचार आखिरी दौर में है। जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस, बीआरएस, बीजेपी, ओवैसी की एआईएमआईएम यानी सारी पार्टियां धुआंधार प्रचार कर रही हैं। सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मुख्य मुकाबला बेशक कांग्रेस और बीआरएस के बीच है, लेकिन बीजेपी भी अचानक सेंटर स्टेज पर पहुंच गई है। सवाल यह है कि अचानक ये कैसे हो गया, यह जानना बेहद दिलचस्प है। आज तेलंगाना के कई राजनेताओं से मेरी बात हुई। इनमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लीडर हैं। इसके अलावा मैंने बीआरएस से जुड़े लोगों से भी बात की। इन सब से बात करने पर तो यह पक्के तौर पर समझ में आने लगा कि बीजेपी इस बार मुकाबले में है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तेलंगाना की 119 में से सिर्फ एक सीट जीती थी, इसलिए इस बार का डेवलपमेंट हैरान करने वाला है। लिहाजा कुछ सवाल लाजमी है। क्या है वो सवाल? सवाल नंबर एक, क्या बीजेपी इस बार तेलंगाना में बड़ी ताकतों बनकर उभरने वाली है? सवाल नंबर दो, अगर बीजेपी को बढ़त मिलती तो नुकसान किसे होगा, कांग्रेस को, बीआरएस को या एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी को? सवाल नंबर तीन, तेलंगाना में मुसलमानों का वोट किसी एक पार्टी को जाएगा या बढ़ जाएगा? पहले सवाल की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, और हमारा पहला सवाल यही था कि इस बार तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी बड़ी ताकत के तौर पर सामने आएगी, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा जब हम आपको एबीपी न्यूज पर सटीक विश्लेषण के साथ नतीजे दिखाएंगे। लेकिन इस बार तेलंगाना में जो होगा वो सबको चौंका सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका आधार क्या है, इन सारे सवालों का जवाब देंगे। लेकिन पहले दिखा देते हैं कि प्रधानमंत्री ने आज तेलंगाना के करीमनगर में क्या कुछ कहा। जब तक कांग्रेस सत्ता में थी तब तक आए दिन बम धमाके होते थे। कांग्रेस आज भी जहां सत्ता में है वहां पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों को बढ़ावा मिलता है। कांग्रेस को वोट यानी केसीआर की सरकार फिर से आने की संभावना। एक बीमारी को खत्म करने के लिए दूसरी बीमारी मत लाइए। राजस्थान में वोटिंग खत्म होने के बाद बीजेपी के सारे बड़े नेता तेलंगाना में डटे हुए हैं, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी ने तेलंगाना में जिस तरह ताकत झोंकी है वो बड़े सिग्नल दे रहा है। इसे ठीक से समझने के लिए मैंने हैदराबाद में कई संपादकों, पत्रकारों और अपने कई साथियों से बात की। इसके बाद एक चीज क्लियर हो गई, तेलंगाना में बीजेपी खुद सरकार बनाए ना बनाए लेकिन इस बार बड़ा गेम जरूर कर सकती है। वो कैसे? बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने तेलंगाना की सभी 119 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें से करीब 30 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी मुकाबले में दिखाई दे रही है, मतलब मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। और बीजेपी के इनसाइडर्स तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि इनकी पार्टी इनमें से ज्यादातर सीटों पर बाजी मार सकती है। अगर ऐसा होता है तो एक बड़ी घटना है। आपको बता दें कि कौन कितनी सीटें जीतेगा, कौन हारेगा, हम इस पर कोई दावा नहीं कर रहे। सारे दावे उन्हीं पार्टियों की तरफ से आ रहे हैं जो तेलंगाना में चुनाव लड़ रही हैं। वैसे तेलंगाना में इस बार बीजेपी का मनोबल बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो बीआरएस और कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले बीजेपी कर रही है। इन हमलों के लिए बीआरएस के वायदों को आधार बना रही है। जो वायदे कौन कौन से हैं मैं आपको वो बता देता हूं कि किन वायदों को लेकर बीजेपी भारतीय राष्ट्रीय समिति पर निशाना साध रही है। बीआरएस ने मुस्लिम आरक्षण 4% से बढ़ाकर 12% करने की बात कही है। 4 से 12 हो जाएगा मुस्लिम आरक्षण अगर बीआरएस आती है, बीआरएस का यह दावा है। मुस्लिम युवाओं के लिए हैदराबाद में अलग आईटी पार्क बनाया जाएगा मुस्लिम युवाओं के लिए, और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए बजट भी बढ़ाने का दावा किया है केसीआर की पार्टी बीआरएस ने। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को लग रहा है कि उनकी पार्टी ने अल्पसंख्यक आरक्षण बढ़ाने का जो वायदा किया वो उन्हें बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। केसीआर इसी वायदे के भरोसे लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में जुटे हैं। आपको यहां एक बात और बता दें कि दक्षिण के किसी राज्य में आज तक ये कमाल
कोई नहीं कर पाया कि जो लगातार तीसरी बार कोई मुख्यमंत्री बना हो, लेकिन के चंद्रशेखर राव उम्मीद पाले बैठे हैं और बीजेपी उन पर तीखे प्रहार कर रही है। तीनों ने तुष्टिकरण के लिए 4% मुस्लिम रिजर्वेशन लगाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को हटा लेगी और ये बैकवर्ड क्लास और एससी एसटी का रिजर्वेशन हम बढ़ाएंगे। बीआरएस और बीजेपी की बात हमने आपको सुनाई। बीजेपी एक तरफ तुष्टिकरण के आरोप लगाकर बीआरएस पर हमलावर है तो दूसरी तरफ इसी मुद्दे पर वो कांग्रेस को भी घेर रही है। दरअसल अल्पसंख्यकों के लिए कांग्रेस ने भी कई वायदे किए हैं। कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को एमफिल और पीएचडी करने पर 5 लाख रुपए देने का वायदा किया है। इसके अलावा बेघर अल्पसंख्यकों को मकान बनाने के लिए जगह और 5 लाख रुपए देने का भी वायदा किया है। लेकिन बीजेपी की लाइन लेंथ एकदम क्लियर है। ये बात तेलंगाना में प्रचार के दौरान कही गई योगी आदित्यनाथ की बात से साफ हो जाती है। तेलंगाना में चाहे वह बीआरएस हो या कांग्रेस या बीएसपी, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। दोनों पार्टियों के पास सहयोगी के रूप में एक कॉमन फ्रेंड है और कॉमन फ्रेंड का नाम है MIM। कांग्रेस और बीआरएस के वायदों और बीजेपी के आरोपों को देखें तो एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि तेलंगाना में तुष्टिकरण की कोशिश हो रही है और इसमें हर पार्टी शामिल है। अब यहीं पर सवाल उठता है कि और सवाल ये कि आखिर हर पार्टी ध्रुवीकरण का दांव क्यों खेल रही है। इसके पीछे तेलंगाना के मुस्लिम वोटर्स, कांग्रेस और बीआरएस को पता है कि चुनाव में ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। कैसे, अब जरा आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं। तेलंगाना की कुल आबादी करीब 3,84,00,000 है। इसमें मुस्लिम आबादी 54 लाख यानी करीब करीब 14% है। तेलंगाना के 7 जिलों की कई विधानसभा सीटों पर ये मुस्लिम वोटर खास आसर रखते हैं। यही वजह है सबके लिए वायदे हो रहे हैं। तेलंगाना की 45 विधानसभा सीट ऐसी है जहां हार जीत में मुस्लिम वोटर बड़ी भूमिका निभाते आए हैं और इस बार भी स्थिति वैसी है। कांग्रेस और बीआरएस दोनों को पता है कि मुस्लिम वोटर्स का साथ उन्हें जीत की मंजिल तक पहुंचा सकता है, इसलिए दोनों पार्टियां उन्हें अपने पाले में रखना चाहती हैं। लेकिन मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर अपना इतिहास इन सीटों का। हैदराबाद में मुसलमान वोटर ओवैसी की पार्टी को वोट देते रहे हैं और हैदराबाद से बाहर वो बीआरएस का साथ देते रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि मुसलमान वोटर इस बार किधर जाएंगे। हमारे संवाददाता जैनेन्द्र ने यही सवाल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा। उन्होंने क्या कहा आपको वो भी सुनवाते हैं। कोई अगर कहा कि मैं ये कर रहा हूँ आपके लिए, वो कर रहा हूँ, ऐसा मुझे अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, तो कभी भी मुस्लिम उस बात को मानेंगे नहीं। वो पॉलिटिकली कॉन्शियस वोटर्स हैं और वो अपना निर्णय इलेक्शन के वक्त लेते हैं। आपने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुन लिया, कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। बात सही भी है, वोटर अपना नफा नुकसान देखकर ही किसी को वोट करता है, किसी को समर्थन देता है। पिछले 2 विधानसभा में मुसलमानों ने अपना समर्थन बीआरएस को दिया, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी बदली बदली दिखाई दे रही है। मुसलमान वोट बटा हुआ दिखाई दे रहा है। तेलंगाना में मुस्लिम मतदाता कांग्रेस पार्टी और बीआरएस के बीच में बटी हुई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद मुस्लिम मतदाताओं का रुझान कांग्रेस की ओर बढ़ा है। यही बीआरएस की चिंता का सबसे बड़ा कारण है। इसमें ओवैसी का कोई रोल नहीं है। ओवैसी की कुल जो सीमा है ग्रेटर हैदराबाद की, जो 9 सीटें हैं जिन पर वो लड़ रहे हैं, उसके बाहर मुस्लिम मतदाताओं पर उनका कोई खास असर नहीं है। तो बीआरएस की चिंता है कांग्रेस के प्रति बढ़ता मुसलमानों का रुझान। देखिए, इसकी वजह है कांग्रेस का प्रचार तंत्र। कांग्रेस मुस्लिम वोटर्स के बड़े तबके को यह समझाने में कामयाब रही है कि नेशनल लेवल पर बीजेपी का मुकाबला करना बीआरएस के बस में नहीं है, यह काम वही कर सकती है। मुस्लिम वोटर्स के लिए कांग्रेस और बीआरएस में मची इस खींचतान ने बीजेपी को बड़ा मौका भी दिया। अब बीजेपी इस मौके को कितना भुना पाती है, नतीजे आने पर
तय होगा, लेकिन लड़ाई शुरू हो चुकी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।